नमस्ते हम है आपको दोस्त अंकित तिवारी और आज हम मीडिया डिक्शनरी में एक नया वीडियो बनाव हई और वो वीडियो है हम हम आप लोगों के बताऊ बेसिक पत्रकारिता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय हमन बताऊ हम और कारण यह कि आजकल जब से डिजिटल मीडिया के जमाना बा हर व्यक्ति जन बा पत्रकारिता कि चाहता मोबाइल स्मार्टफोन आ वीडियो बनाब था वो अपने आप के पत्रकार के हता तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में तो सब के वजह से तमाम असन कि वो पत्रकार तो कहीं कतौ न कतौ पोर्टल में यूट्यूब में जुड़ा हैं लेकिन आए दिन यह तरीके के घटना सुने के आवत है कि कत उनके पुलिस बेज्जत करे कत मुकदमा हो कत अधिकारी ना सुनत हन मतलब लोग बिल्कुल हल्के में हैं पत्रकार होकर बावजूद भी कोनो गंभीरता उनके अंदर नहीं हुए तो सब के सोचे के बाद हम हमारे मन में आई कि कुछ बेसिक चीज पत्रकारिता के बारे में बताई ताकि जो उन नया हैं, खास तौर तो खासतौर गांव गांव देश में वो पत्रकारिता के सिद्धांत के बारे में जान सकें और अच्छे से पत्रकारिता करें पहली चीज तो कोनो विवादित अगर मुद्दा बा तो पे क्राइम के तो वह मन दुनू पक्ष के बाइट बहुत ज़रूरी और क्राइम के मामले में तो सरकारी वर्जन जरूर नहीं पुलिस विभाग का वर्जन जरूर नहीं एक उदाहरण आपके हमन हम बताई कि एक मामला रहा हमारे जानकारी में जोने में दुई पक्ष में मारपीट भ और दोनों पक्ष का एफ आई आर भ लेकिन एक पत्रकार महोदय रहन वो क्षेत्रीय अखबार रहा उसे जुड़ा रहन वो पहुँचे एक पक्ष का बोल के एक पक्ष के बारे में सुनेन एक पक्ष के बारे में बताई कि और ये खबर बनाए देहन कि दबंगों ने फलाने आदमी के साथ गलत किया तो पत्रकार आरोप नहीं लगाओ पत्रकार पुलिस न है कि थाने ले जाए जज न है कि सजा दे तो यह चीज़ के ध्यान रखें कि हम गवाह न बन पार्टी न बन दूसरी बात कि मानवाधिकार आयोग कुछ गाइडलाइन जारी कर है बात जोने में आप कोनो भी बिना सबूत के बिना ओपे सजा के मतलब जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो आप आरोपी का फोटो नहीं दिखाई सकते जर जर आरोप लगवाह ओके ध्यान रख अगर कनो मौत वोत होता एक्सीडेंटल या लाश वास तो पानी में डूब के मौत होता तो उनकर फोटो नहीं दिखाई सकता कतौ कतौ तो लोग छाप देती हैं फोटो सहित कुछ शब्द वा जकरे आधार पे उस शब्द लिख के तू कोर्ट कचहरी से बच सकत है जिसे आरोपित लिख कोनो मामला बा आरोपित व्यक्ति तथा कथित विधायक सूत्रों से यह शब्द का प्रयोग हो तो डायरेक्ट आप ही बात मत लिखे एक ऐसे मामला बा राशन का मामला आई कि वो में कोटेदार राशन नहीं देता अब ग्रामीण का ही देहन अब वो पत्रकार महोदय पहुँचे न ग्रामीणन से पूछ ले ग्रामीण कहत था कि एक महीना से वो ग्रामीण से ज़्यादा वही बोलते पत्रकार महोदय कहत था दो महीना से नहीं मिलता और वो सरकारी वर्जन नहीं ले विपक्ष कोटेदार के बयान नहीं लेन परिणाम ये है कि उनके ऊपर मुकदमा हो एक और ऐसे मामला बा कि दू पक्ष के विवाद होता रहा है पत्रकार महोदय पर फोटो खींचे लगे वीडियो बनाबे लगे अब वो लोग उनके ऊपर हमला कर देहन तो कहे के मतलब ये है मन समझदारी बा कि अगर इन लीगल काम होता तो कत भी अगर खोल के वीडियो बनोबे फोटो बनोबे तो लोग विरोध करही अगर तू कॉन्फिडेंट है तब अपने दिमाग से वीडियो बनाओ फोटो बनाओ अभी थोड़ा होता कि कतौ कानूनी काम होता वहाँ तू तो फोटो बनाबे लग लगवा वीडियो बनाबे लग लगवा तो लोग विरोध तो करबे करही पत्रकार है तो कनो अलग से तो आज़ादी बा नहीं तो हर चीज के अब कतौ स्कूल में पहुंच गया वहाँ फोटो बनाव लोग विरोध करते हैं तो अगर कोनों अधिकारी हैं मान लीएम कार्यालय व डीएम साहब मना कर दही तो आप ओके वीडियो न बनोगे आप केवल इतना ही कह सकते हैं कि फलानी आदमी वीडियो नहीं बना देह फोटो नहीं खींच देह या बयान दे से मना दे दें लेकिन वह हमें ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं ऐसे ही एक और मामला रहा पत्रकार जी हमन कर मौत हो अब कोनौ डॉक्टरी तो आई नहीं रिपोर्ट उन मौत कैसे भई अब वो गावे देश में क्यों से पूछ लेन वो कहे कि कुछ पारिवारिक कलह रहा अवैध संबंध रहा यह कारण वो आत्महत्या कैल है अब वो आदमी उनके मानहानि के उ करे लगा बाद में माफी मांगिंग करे गाँव वाले कहन तो गाँव वाले का कहन एक वो होता कि बस ऐसे ही हवा में पत्रकारिता करब तो ग्रामीण पत्रकारिता में यह तरीके का केस बहुत जौ देखे के मिलत तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रहे कि जज या पुलिस का काम वही लोग कर बिना कोनौ नियम कानून के बिना पत्रकारिता के सिद्धांत के ऐसे खबर बनाए पे केवल पत्रकारिता का नुकसान होए पत्रकार समाज के नुकसान होए और पत्रकार संगठन ही बढ़े फिर में हाथ नहीं लगाते हैं और फिर उनके कतौ सम्मान नहीं मिलत अगर आप लोगन के हमारी विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी जो हम दिया अगर पसंद आई हो तो लाइक कर और वीडियो के शेयर करें